सारी चेक पोस्टें ख़त्म की हैं और दिसंबर से जनवरी के आज तक 6 वारदातें हुई हैं, जिनमें से 3 को हमने पकड़ लिया है, 4 को पकड़ने के करीब हैं, 2 KPK में जा चुके हैं। सो 2 केसेस अभी आइडेंटिफाई होने वाले हैं। तमाम वीज़े ऑनलाइन कर दिए हैं, सारी करप्शन ख़त्म कर दी है। एग्ज़िट का वीज़ा भी सोमवार वाले दिन से ऑनलाइन हो जाएगा। 1 लाख ID कार्ड रोज़ाना जारी हुआ करेंगे। FIA को भी ठीक करेंगे, नादरा को भी ठीक करेंगे। और अमन व अमान का मसला, ईगल स्क्वाड शेख हफीज साहब से ने मुझे कहा कि वो पैसे दे देंगे, आप एक मॉडर्न पुलिस देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है सती बच्चे का, और वो हमने 5 के 5 मुलजमों को 780 के साथ साथ 302 और दहशतगर्दी की पोस्ट मौत की तरफ धकेला उन्हें। और जहाँ तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का तल्लक है, हमारी पूरी कोशिश है कि अमन व अमान में और लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी के हालात रहें। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन जो है राजा सुल्तान सिकंदर साहब, ये उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं थे जिसके आगे इत्तेजाज करने आ रहे हैं। और जो फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उनके दस्तखत ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो क्वेटा किसी वक्त भी जा सकते हैं। मेरे समेत तमाम लोगों की यही राय थी जब हमने ये राय दी कि आपने जाना है, आपको जाना चाहिए, उससे पहले ही वो ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने जाना है। और तमाम इंशाअल्लाह ताला ये 60 से 90 दिन सियासत में काफ़ी अहम होंगे, रोज़ आपसे मुलाकात होती रहा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मीडिया सेंटर भी बना रहे हैं, वो सबको आपको चाय पे या लंच पे वहाँ बुलाएंगे मिनिस्ट्री के नीचे ही। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। वो सती साहब का वाकया बहुत बच्चे का बहुत सीरियस वाकया, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम के एक नाहक बच्चे की आप जान लें। इंशाल्लाह आप अभी डिस्क्लोज। शेख साहब, शाहिद हकान का नाम आपकी काबीना ने ECL से निकाला है, उसी के आप भी रुकन हैं। शाहिद हकान यहाँ से अमरीका का कहकर अब नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, ये क्या? मुझे तो पता था वो ऐसा करेंगे, लेकिन काबीना का फैसला है, मैं उसको एज ए इंटीरियर मिनिस्टर देखिए ना, हमारा मैं नहीं इसको डील करता हूँ ECL की इसको, लेकिन फैसला काबीना करती है, जो काबीना का फैसला उसको डिफेंड किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप अभी देखें तो सही, अभी आगे आगे देखें तो सही, इंशाअल्लाह ताला आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री नीट क्लीन ऑनेस्ट डेडिकेटेड, और लोग कहेंगे अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। अब देखे ना सती बच्चे का एक वाकया होगा। शेख साहब ये बता दें कि क्या वजह हुई है वज़ीर-ए-आज़म इतना रिलक्टेंट क्यों है जाने के लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला वो जाएंगे अनकरीब। सुना कि आपने मशवरा दिया कि मत जाएं, ये कैसी, ये तो बकवास वाली बात। मैंने तो आते सार उन्हें कहा है कि सर, और मैं तो अफगान जो शहीद हुए हैं उनको भी पैसे देने क्या। PDM आपकी नज़र में या अपोजिशन कामयाब हो रही है अपने एजेंडे?